दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीलिंग फैन है, अगर जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि सीलिंग फैन में ऐसा कुछ साउंड आए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों जो सीलिंग फैन में जब भी कुछ ऐसा साउंड आता है तो उसके क्या कारण होते हैं, सिर्फ पांच कारण होते हैं जो सीलिंग फैन में जो साउंड आता है। अगर आप कहीं भी सीलिंग फैन रिपेयर करने के जाते हैं तो आप इन पाँच बातों का ध्यान रखोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप मैकेनिक है या आप काम सीख रहे हैं तो आपको वीडियो देखना जी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको इसमें पांच बातें बहुत ही ज़रूरी पांच बातें बताऊंगा कि जो सीलिंग फैन में जो बहुत ज़्यादा साउंड आता है वो उसके साउंड आने के क्या क्या कारण होते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखें, मैं वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो मेन बात आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो सबसे मेन कारण होता है उसका क्या कारण होता है जो सीलिंग फैन में साउंड आता है। अगर आप वीडियो फुल नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड सबसे पहले सीलिंग फैन में साउंड आने का जो सबसे पहला मेन कारण क्या होता है, हमें चेक करना चाहिए इसके बैरिंग। दोस्तों जो बैरिंग क्या होता है, जैसे कि सीलिंग फैन में बहुत ही हीट होने के कारण जो बैरिंग होता है इसमें जो ग्रीस होती है जो बिल्कुल सूख जाती है, तो उसके कारण क्या होता है फिर जो सूखा ही ये वर्क करता है, तो जैसे ये सूखा ये वर्क करता है तो इसमें फिर आवाज़ें आने लगती है, कुछ ऐसे साउंड आने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप उसको चेक कीजिए, अगर वो ग्रीस दे के वो सही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप बैरिंग को चेंज कर दीजिए। तो फ्रेंड दूसरा कारण क्या होता है कि जो सीलिंग फैन का जो बैरिंग होता है, कभी क्या होता है जो सीलिंग फैन का जो बैरिंग है वो टूट जाता है, तो टूटने के कारण क्या होता है जो सीलिंग फैन में ची 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 करके ऐसी आवाज़ आती है, बीच में वो अटकता भी है और हिलता भी है। तो फ्रेंड ये जो दो कारण होते हैं। तो फ्रेंड जो तीसरा कारण क्या होता है कि सीलिंग फैन में साउंड आता है, तो तीसरा कारण जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीलिंग फैन की जो शाफ्ट होती है ऊपर वाली नीचे वाली, इसमें शाफ्ट में जो है प्ले आ जाती है, तो प्ले आने के कारण क्या होता है कि फिर जो सीलिंग फैन ये आपस में इसके रूटर के साथ ये टच करता है और इसमें कुछ आवाज़ें आती हैं, भयंकर साउंड आता है। तो फ्रेंड ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण क्या होता है फ्रेंड, चौथा कारण ये होता है कि जो सीलिंग फैन में अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप जो शाफ्ट देख रहे हैं ये तो सही है, इस शाफ्ट में कभी कभी क्या होता है जो प्ले आ जाती है तो ये हिलने लगता है, तो जैसे सीलिंग फैन को हम सप्लाई देते हैं तो जो मैग्नेट है इसको इधर उधर खींचता है तो ये हिलता है, तो उसके कारण भी जो क्या होता है ये रोटर के साथ टच करता है फिर भी इसमें खच खच करके ची ची करके ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों जो पांचवा और जो मेन कारण होता है वो क्या होता है कि जो सीलिंग फैन का जो कप होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये कभी क्या होता है जो सीलिंग फैन के साथ टच होता है, तो ये टच होता है तो टच होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो है साउंड बहुत ज़्यादा आता है, तो आप चेक कीजिए कहीं इसके साथ जो है कप कहीं टच तो नहीं कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो आप उस कप को ऊपर उठा दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो सीलिंग फैन की शाफ्ट है अगर शाफ्ट इसकी घिस जाती है तो आप इसको पहले चेक कैसे कर सकते हैं, आपने करना क्या है जैसे कि इसमें बैरिंग लगा के देखना है, अगर बैरिंग थोड़ा सा भी इसमें प्ले है तो आप इसको हल्का हल्का रेती से टक लगा के जो बैरिंग को है बैरिंग को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो भी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका जो एक लाइक है और चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।